प्रस्तावना के अनुसार संविधान का निर्माता और शासन का स्रोत भारतीय जनता को माना गया है। और जब प्रस्तावना के अनुसार बात की जाती है तो प्रस्तावना में ये बताया गया कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना के अनुसार कुल चार प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया, और वो चार प्रकार की शासन व्यवस्था है। पहला नंबर समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा लोकतंत्रात्मक और चौथा गणराज्य। चार प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक व गणराज्य नामक शासन व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में लोग व नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। Likey.